जी, जैसे पैशन वीक की थी कि जैसे पैशन वीक के मुताबिक कल आज मौसम ओवरऑल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बल्कि लद्दाख में आज से कल रात रात के बीच में चंद जगहों पे हल्की बर्फबारी भी हुआ है, तो कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुआ है, ये आज ऐसे रहेगा। तो आज और कल मौसम ओवरऑल रहेगा, बल्कि आज रात और कल के बीच में मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फ पड़ने का इम्कान है, वादी कश्मीर के भी, हालांकि ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा 1 इंच तक हो सकता है। लेकिन तो इसका लेकिन जो चार से लेकर छह जो पहले प्रिडिक्शन था फोरकास्ट, तो ये चार के दिन को हल्की बारिश हो बर्फ हो जाएंगे, तो फिर रात को इसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। चार के रात और पांच के दिन में मैदानी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ, पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल, चंद जगहों पे हैवी स्नोफॉल होने का इम्कान है। तो उसी तरह जम्मू में बारिश होंगे और चार के रात और पांच के दिन में जम्मू में भी अच्छी बारिश होने का संभावना है अति के हिसाब से मैदानी इलाकों में, और ये हो गया, और पहाड़ी इलाकों में हल्की पहाड़ी जम्मू के पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पर भारी बर्फ भी होने का इम्कान है। इसमें खास करके साउथ कश्मीर, फिर पंजाल रेंज और नॉर्थ कश्मीर के भी, जैसे गुरेज हो गया, तो इस टाइप का बर्फ होने वाला है। और लद्दाख रीजन में भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में चंद जगहों पे हैवी स्नोफॉल होने का इम्कान है, लद्दाख में लेह रीजन में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है, लेकिन कोई हैवी स्नोफॉल का पेशन कोई नहीं है इतना। लेकिन फिर भी मौसम ओवरऑल बताएं तो मौसम ले आज से लेकर 9 तारीख तक ओवरऑल से रहेगा, धूप दिन में क्लाउडी रहेगा, एरेटिक मौसम रहेगा, और इसके बाद 8 तारीख को फिर 8 और 9 के बीच में फिर एक मतलब अच्छी स्पेल बर्फ होने का